सिवान में सोमवार को सदर अस्पताल के सभागार में आईएमए और भाषा की संयुक्त बैठक पुलिस कर्मियों द्वारा सदर अस्पताल के डॉक्टर आलोक कुमार सिंह की पिटाई की घटना को लेकर हुई। आपको बता दें कि बैठक में दोनों संघों के नेताओं ने आंदोलन को तेज करते हुए सरकारी डॉक्टरों के साथ निजी डॉक्टरों ने सोमवार की रात 12 बजे से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान ओपीडी के साथ साथ डॉक्टरों ने आपात सेवा को भी पूरी तरह ठप करने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन से घटना के संबंध में बिहार क्लिनिक प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के तहत FIR दर्ज कर दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आलोक कुमार सिंह की पुलिस द्वारा पिटाई की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग डॉक्टरों ने किया। इसके साथ ही हड़ताल के संबंध में किसी प्रकार की वार्ता करने के लिए राज्य के DGP और स्वास्थ्य मंत्री से ही केवल बात करने की बात डॉक्टरों ने कही। आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंडों में 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई जो हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टरों को जागरूक करेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि जो मरीज पहले से अस्पतालों में भर्ती हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। आंदोलन की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सूचना देते हुए कार्रवाई के लिए सिवान बुलाने की मांग की गई है। आंदोलन की जानकारी आयुष डॉक्टर संघ, यूनानी डॉक्टर संघ, दंत डॉक्टर संघ, दवा व्यवसायी संघ को भी दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, भाषा के प्रभारी सचिव डॉक्टर कौशल किशोर, आईएमए के सचिव डॉक्टर शरद चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर शशिभूषण सिन्हा सहित कई डॉक्टर शामिल थे। देखिए रिपोर्ट।